मुरादाबाद में आज राज कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली समेत तमाम कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की माने तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाने का अनुरोध सरकार एवं शासन के स्तर पर अनेकों बार किया गया। परिषद का रवैया सरकार के प्रति असहयोग का रहा और हमेशा यही प्रयास करते हैं कि समस्याओं का निराकरण वार्ता के माध्यम से ही किया जाए, परंतु विगत कई माह बीत जाने के बाद भी दो बार सचिव की अध्यक्षता में परिषद के साथ संपन्न हुई वार्ता में सहमति न होने की समस्या यथायथ बनी हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष असंतोष व्याप्त है। इसी क्रम में आज जनपद मुरादाबाद के द्वारा एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपा गया। जुलूस में जनपद के हजारों कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। यह निर्णय लिया गया कि जनपद के सभी सदस्य 21 जनवरी 2020 के लिए धरना के माध्यम से प्रदर्शन करेंगे और यदि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया तो वह सारे कार्य को ठप कर देंगे। इस प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आज मशाल जुलूस निकालकर इस प्रदेश के राज कर्मचारियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। ये पिछले 2.5 साल से, जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस हैं। आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उनकी समस्याओं की ओर न सरकार और न सरकार में उच्च पदों पर बैठे उच्च अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। स्थिति यह है कि मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से 2-2 बार परिषद के प्रतिनिधिमंडल का लिखित में समझौता हुआ और उस लिखित समझौता होने के बावजूद आज तक उन पर शासनादेश जारी नहीं किए गए हैं। चाहे वो पुरानी पेंशन की मांग हो, चाहे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की मांग हो, चाहे समान कार्य समान वेतन की मांग हो, चाहे 4600 ग्रेड पे को इग्नोर करने की मांग हो, चाहे 50 साल पर जबरन सेवानिवृत्ति रोकने की मांग हो, तमाम जो भत्ते हैं उनको जो बंद किया जा रहा है सरकार द्वारा उस पर रोक लगाने की मांग, ऐसी तमाम समस्याएँ हमारे परिवहन विभाग के कर्मचारियों की तमाम समस्याएँ लंबित हैं, प्राधिकरण के साथियों की तमाम समस्याएं लंबित हैं, शिक्षकों की तमाम समस्याएं लंबित हैं। स्थिति यह है कि चौथे वेतन आयोग से जो वेतन विसंगतियां लंबित हैं।